अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर अधिकतर गैर अमेरिकी लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा उन्होंने अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और उसके लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर किया है। इसकी जानकारी अमेरिका के पब्लिक हेल्थ अधिकारी ने दी है। इसके अलावा उन्होंने मंगलवार को ब्राजील, आयरलैंड और ब्रिटेन समेत यूरोप के 26 देशों से आने वाले गैर अमेरिकियों के भी देश में आने पर प्रतिबंध लगाया है। सीडीसी के प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एनी सुचेट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि राष्ट्रपति ने अपने देश में दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ दिया है। इसकी वजह है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ने यह फैसला एहतियात लिया है क्योंकि अमेरिका अपने देशवासियों को कोरोना के इस नए प्रभाव से बचाना चाहता है। इसके साथ ही वो अमेरिकियों को इस खतरे से दूर रखना चाहता है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश के मुताबिक 18 जनवरी को ब्राजील और यूरोप के कई देशों के ऊपर लगे इस तरह के प्रतिबंध को हटा लिया था, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने इसको दोबारा लगा दिया है। आपको बता दें कि बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही कोरोना वायरस के खिलाफ तेजी से काम करने का संकल्प लिया था। उनका कहना था कि उन्हें देश को इस महामारी से निकालने के लिए ही लोगों से अपना वोट उन्होंने लिया है, लिहाजा ऐसा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।